तीन चार चम्मच तेल लो, सरसों का तेल लो, हर घर में होता है, इसको गर्म कर लो, नाक के अंदर सात कतरे रोज डालो, एक कतरा डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, इसको आहिस्ता आहिस्ता लाते रहो। अच्छा, नाक में तेल क्यों डालना है कभी सोचा? मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश में जो चीज सबसे पहले पैदा की वो क्या थी? वो नाक ही थी। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को, हमने इन चीजों को छोड़ दिया। नाक के अंदर तेल लगाओ, एक कतरा डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, वो सूरत फातिहा तो खुद शाफिया है। सूरत फातिहा क्या है? ये खुद शाफिया है, ये शिफा वाली है। फिर तेल हाथों पे लगाओ, पूरे पेट में मसाज करो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। फिर वही तेल लो, उंगलियों पे लगाओ, नाक के अंदर बाएं ऊपर नीचे इसका मसाज करो। यही तेल लो, कानों के अंदर लगाओ, कानों के ऊपर लगाओ, पूरा अच्छी तरह इसको मसाज करो। पैरों की उंगलियों में, पैरों की एक उंगली को, नाखून को अच्छी तरह ऊपर से नीचे से इसका मसाज करो, हाथों पे मसाज करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मसाज क्यों करना है इसको समझो। नींद आती है बेचैनी की वजह से। नींद क्यों नहीं आती है? जब इंसान बेचैन होता है, बेकरार होता है, बेसुकून होता है। आप लोगों ने कभी मजदूर को देखा है? जब वो मजदूरी करके घर आता है, वो क्या करता है? वो हाथ धोता है, मुंह धोता है, सर धोता है, ऐसे करके नहाता धोता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये पांच जगह है जहां पॉइंट रखे हैं, नाक में, नाक में, कान में, हाथों में, पैरों में। ये वजू को आप जब हाथों में, वजू में क्या करके अपने हाथों में मलते हो, इसमें कुछ आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे तेल से आप उसको मसलते हो ना, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो आपको सुकून देते हैं, वो आपको आराम देते हैं, इतनी मजे की नींद आएगी आप सोच नहीं सकते। दो चीजें दवाई के तौर पे बनाओ। अगर शुगर है तो फिर आपने पानी में केला नहीं डालना। एक गिलास पानी लो, तीन इंच की तीन डंडियां दालचीनी की लो। शुगर नहीं है तो एक केला, साबुत केला लो, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेगा, दालचीनी तोड़ के पानी में डाल के हल्की आंच पे इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि एक गिलास आधा रह जाएगा, उसको छान लो। मेरे मोहतरम भाइयों, सोने से एक घंटा पहले ये चाय की तरह कूल कूल करके पियो, इतनी मजे की नींद आएगी। आप लोग मुझे दवाई दो, कोई दवाई नहीं, केला और दालचीनी। अगर शुगर है तो फिर केला रहने दो, ज्यादा केला ना डालो, आधा डालो, और दालचीनी जो इसका कावा बना देती है। दूसरे नंबर पे एक गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, दो सब्ज इलाचियां, दो लौंग, दूध के गिलास में इतना पकाओ वो आधा रह जाए। सोने से पहले खुद रात के शाय डाल के ये दो। अगर ये नहीं बना सकते आप ऐसी जगह पे जहां बना नहीं सकते, मुसाफिर हो, तो चार केले लो, मजे से पेट भर के केले खाओ, पुरसकून नींद आएगी।